नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, बीजेपी ने रिस्क लेना और दूसरों को रिस्क देना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब अप्रत्याशित दांव खेलना सीख गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना की, जिसकी हॉट सीट है हैदराबाद। हो सकता है कि आने वाले समय में आप उसको भाग्यनगर के नाम से जाने। खैर, बीजेपी ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है और वो है माधवी लता। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने ओवैसी परिवार की लगातार चार दशकों से चले आ रहे निजाम को चुनौती दे दी है। ओवैसी के सामने माधवी लड़ तो रही है, पर बीजेपी ने ये चैलेंज ओवैसी को नहीं, शायद माधवी लता को ही दिया है। अब वो कैसे, ये समझ लीजिए। हैदराबाद मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन मतदाता सूची में इस बार 5,41,000 वोटर्स को कम कर दिया गया है। वहीं ये माधवी के लिए हो सकता है कि अपने आप में परेशान करने वाली बात हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। माधवी के प्रचार के निराले अंदाज की वजह से और वोटर्स के कम होने की वजह से शायद ओवैसी भी परेशान होंगे। यहाँ के 20 लाख वोटर्स सांसद नहीं चुनने जा रहे, बल्कि मूसा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर का भविष्य चुनने जा रहे हैं। तो हैदराबाद की लड़ाई को इस बार मामूली बिल्कुल मत समझिएगा। संसदीय चुनाव के परिणाम के आधार पर तेलंगाना की राजनीति करवट ले सकती है। ये भी तय हो सकता है कि 1551 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बसाए गए हैदराबाद पर ओवैसी का कब्जा आगे जारी रहेगा, या दक्षिण की तरफ बढ़ रही बीजेपी के कदम को माधवी का सहारा मिलेगा। ओवैसी जीतते हैं तो कुछ बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। जो जैसी परंपरा चली आ रही है, परिपाटी चली आ रही है हैदराबाद की, वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो इस शहर की पहचान बदलना तो तय है। अगर अब तक के आजादी के बाद से हैदराबाद में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें, तो 17 बार चुनाव हो चुका है, जिनमें 10 बार ओवैसी परिवार को जीत मिली है। सिर्फ 7 बार ही बाकी पार्टियों को मौका मिला है। कांग्रेस को यहां से आखिरी जीत 1980 में मिली थी। 1984 में असदुद्दीन के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने पहली बार कांग्रेस की जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगा दी थी। उसके बाद से किसी भी दल की यहां पर दाल गली ही नहीं। लगातार 6 चुनाव सलाहुद्दीन ने लगातार जीते और असदुद्दीन ने 4 बार चुनाव जीता। इस बार असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है और उनके सामने बीजेपी ने काफी उम्मीद के साथ माधवी को उतारा है। हालांकि पिछले 2 चुनावों से बीजेपी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, लेकिन ना तो जीत हाथ लग रही है और ना ही हार का अंतर कम हो रहा है। अब माधवी लता की बात करें तो वोटर्स के लिए नया चेहरा है, लेकिन उनकी पहचान काफी पुरानी है। सामाजिक कार्यकर्ता माधवी लता प्रखर हिंदू नेता हैं, गौशाला चलाती हैं, स्लम बस्तियों में मुस्लिम महिलाओं की मदद करती हैं, आर्थिक सहायता दिलाती हैं, लेकिन बहुत कठिन है डगर हैदराबाद की। लंबे समय से ओवैसी परिवार के प्रभुत्व का पर्याय बन चुके हैदराबाद में परिवर्तन के प्रयासों को मंजिल तक पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के विधानसभा की 7 सीटें हैं और इनमें से 6 सीटों पर ओवैसी की पार्टी का ही कब्जा है। मुस्लिम बहुल आबादी है, जहां पर तकरीबन 60% मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं की बात करें तो 35% हैं। 1984 में पहली बार जीत के बाद से ही ओवैसी के वोट में वृद्धि होती जा रही है। 2019 में उन्होंने 59% वोट हासिल किए थे, बीजेपी के भगवंत राय को हराया था। इस बड़े फासले को पाटना कुछ आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ओवैसी के विरुद्ध सशक्त प्रत्याशी देकर विपक्ष के उन आरोपों पर भी जो है एक विराम लगा दिया, जो AIMIM को बीजेपी की टीम बी बताते हैं। माधवी लता ने खुद बोला है कि ओवैसी की पार्टी को अब कोई बी टीम नहीं कहेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको बुलडोजर की ताकत देकर हैदराबाद भेजा है। बुलडोजर को तो योगी जी ने ऐसा फेमस कर दिया कि लगता है कि आने वाले टाइम में उनके नाम पर ही बुलडोजर मार्केट में होगा। और बुलडोजर का मैसेज भी साफ है कि कोई गड़बड़ की तो जमीन पर नजर आओगे। माधवी के दावे में मुस्लिम महिलाओं का दम भी काफी नजर आता है, क्योंकि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर काम करते हुए उन्होंने गरीब मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया और उनको अब साथ मिल भी रहा है। इस बार का चुनाव परिणाम हैदराबाद की पहचान डिसाइड करेगा। वैसे अगर आपको याद हो तो असम के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ये दावा किया था कि राज्य की सत्ता में आने पर 30 मिनट के अंदर ही हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। अब माधवी की हार जीत पर ही ये भविष्य निर्भर करता है। एक बात और, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम 25 करोड़ तुम 100 करोड़, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अभी हाल ही में हैदराबाद के पुराने शहर में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी कसाईयों को गाय काटने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिख रहे थे। उन्होंने वीडियो में कहा, काटते रहो,
और उनको उकसाया, साथ ही बीफ जिंदाबाद का नारा लगाया। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि धमकी दी या गाय काटो, लेकिन हैदराबाद के तीर वाले एक्शन पर धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। इसको विवाद कहकर बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ FIR दर्ज की गई। SIT इस मामले की जांच करेगी। अब आप लोग ही बताइए कि धार्मिक भावनाएं अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर थी या माधवी लता के एक्शन में थी? क्या भगवान राम के तीर चलाने वाले एक्शन से किसी की जान को खतरा है या अकबरुद्दीन ओवैसी की धमकी से? आपकी जो भी राय हो, सजेशन हो, कॉमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।